हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए, पिछली वीडियो में हमने बात किया था जिन भी बच्चों की बैक लगी है या फिर कह लीजिए कि जिन भी बच्चों का नंबर कम आया है, एक तरीके से कह सकते हैं, इसके बावजूद जिन भी बच्चों का रिजल्ट नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है या फिर UFM लग गया है या फिर जीरो मार्क्स आए हैं या फिर एब्सेंट हो रहा है या फिर MW हो रहा है, उसके बारे में मैंने विशेष चर्चा की थी और सारी चीज़ें आपको बताई थी कि बैक को कैसे हटाना है, क्या क्या ऑप्शन होते हैं, रिचेक और यानी कि स्क्रूटनी और रिल्यूशन का फॉर्म कब से भरा जाएगा, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा जल्द ही। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई थी प्रीवियस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चैनल में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे खास करके ग्रेस मार्क्स को लेकर के, ग्रेस मार्क्स जो मिला है उसको कैसे हटा सकते हैं और कितना ग्रेस मार्क्स मिलता है। तो मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ, चूँकि मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है अधिकतम 2 सब्जेक्ट में, ठीक है, अधिकतम कितने सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में मिलता है। और अधिकतम कितने नंबर तक मिलता है, अधिकतम 10 नंबर तक आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। सपोज कीजिए कि किसी सब्जेक्ट में आपका मान लीजिए कि 15 है, किसी में 13 है, तो मान लीजिए इसमें आपका कितना चाहिए, 4 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, 17 चाहिए तो, अगर 50 नंबर का आपका है तो, इसमें आपका 2 चाहिए तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके किसी 3 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, तब आपको किसी में ग्रेस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 3 में आपको आपकी बैक है, 2 में मान लीजिए कि किसी में 15 नंबर है, किसी में 14 नंबर है, तो 2 में आपको ग्रेस देकर के पास कर दिया जाए और 1 में आपकी बैक रह जाए। यानी कहने का सीधा मतलब है, अगर आपके केवल 2 सब्जेक्ट में बैक रहेंगे या फिर उससे कम रहेंगे, 1 में भी रहेगा तो मिल जाएगा, 2 में भी रहेगा तो मिल जाएगा, लेकिन उससे ऊपर अगर आपकी बैक रहेगी तो आपको किसी में ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर 2 तक है और 10 नंबर के अंतराल से, यानी कि 10 नंबर के अंतराल से अगर आपकी बैक लग रही है तब आपको दे दिया जाएगा। और अधिकतम 1 सब्जेक्ट का, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई 50 नंबर का है, तो इसका 10% ही अधिकतम आपको ग्रेस मिलता है, यानी कि 5 नंबर ही आपको ग्रेस मिलेगा। कोई सब्जेक्ट जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, 60 नंबर हो गया, तो इसमें आपको जो ग्रेस मिलेगा वो 6 नंबर अधिकतम मिलेगा। मतलब कहने का सीधा मतलब है, जैसे मान लीजिए 5 नंबर, अगर आपका 12 नंबर आया है तब आपको 5 नंबर तक ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका 11 आया है, 10 आया है, तो उसमें आपको, उस केस में आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे, देखिए यहाँ पर इनका ग्रेस लग गया है और ये फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो ग्रेस को कैसे हटा सकते हैं, क्या क्या इसका सोल्यूशन होता है। और जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूँ कि ग्रेस मार्क्स कभी कभी लग जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फाइनल ईयर की मार्कशीट पर हो गए, या फिर कभी कभी बच्चे सोचते हैं जैसे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में भी लग जाते हैं, तो हम उसको कैसे हटाएं, क्या उसका सोल्यूशन है। और आपका बच्चों के मन में ये रहता है कि ग्रेस मार्क्स से थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि कई जगह आप जॉब्स वगैरह में जाएंगे, खास करके फाइनल ईयर में लग गई है तो थोड़ी सी दिक्कत आपको देखने को मिलती है। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर आपके ग्रेस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में लग गई है तब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप उसको, हाँ अगर आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैंने तो कम से कम 25 नंबर 30 नंबर किया था, तब आप रीचेक का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि चलो मैं पास हो गया हूँ, कैसे भी ग्रेस मिल गया, या फिर जो भी, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तब आपको रीचेक का फॉर्म नहीं भरना है, नहीं तो हो सकता है कि आपका नंबर और कम हो जाए और जो ग्रेस लगा है वो भी आपका हट जाए, फिर आपको बैक पेपर देना पड़े। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, चूंकि आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से कोई ज़्यादा उतना मतलब नहीं होता है, मेन होता है फाइनल ईयर की मार्कशीट, तो इनका जो लगा है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ इस सब्जेक्ट में, ये आपका एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर देखिए इनका एक सब्जेक्ट में आया है 14 नंबर, यहाँ पर दिख रहा होगा, इनका एक सब्जेक्ट है इसमें आपका 17 चाहिए और इनका 14 आया है, तो वही आपका GR यानी कि ग्रेस 3 नंबर इनको मिल गया है। अब इस 3 नंबर को इनको कैसे हटाना है, क्या सोल्यूशन होता है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, रीचेक का फॉर्म, बस ग्रेस हटाने का एकमात्र सोल्यूशन होता है रीचेक का फॉर्म। और इसमें मैं आपको बता दूँ कि आप इसमें बैक का भी फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसा नहीं है कि चलिए मान लीजिए कि आप ग्रेस हटाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मैं बैक दे करके क्लियर कर लूँगा, तो ये आपको ग्रेस मिल गया है मतलब आप पास हैं, जब पास हैं आप तो आप बैक पेपर का भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसका मात्र एक सोल्यूशन है, अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है आपका रीचेक और स्क्रूटनी यानी कि रिवोल्यूशन का फॉर्म भर के आप इसको हटा सकते हैं। और उसी केस में आप फॉर्म को भरेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब पता चले इन्होंने फॉर्म भर दिया और इनको मान लीजिए कि इनका पेपर खराब गया था, इनको लगता था कि चलिए मैं कैसे भी पास हो गया हूँ, और पता चले कि इनको नंबर जैसे कि मान लीजिए 14 है तो 10 कर दिया जाए, 8 कर दिया जाए, कभी कभी नंबर घट भी जाते हैं, उस केस में इनका ग्रेस भी हट जाएगा। और ग्रेस जब हट जाएगा तो इनकी बैक हो जाएगी, और बैक हो जाएगी तो फाइनल ईयर में जो बैक होती है फाइनल के रिजल्ट के बाद, वो आपकी स्पेशल बैक हो जाती है। और जब स्पेशल बैक हो जाएगी तो आपको जब अगले सेमेस्टर में आप एग्जाम देंगे तो आपके पास 2 मार्कशीट यानी कि 2 मार्कशीट आपको मिलेंगे, 2 रिजल्ट मिलेंगे। तो इस बात का आप विशेष ख्याल करेंगे, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अगर आपकी ग्रेस लग गई है तो ग्रेस से बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये नहीं कि गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, या फिर कोई और जॉब्स वगैरह में जाएंगे तो उसमें इफेक्ट पड़ जाएगा, हाँ
कुछ कंपनियां होती हैं नॉर्मल सी, बहुत रेयर केस में, जो ग्रेस वगैरह बच्चों को थोड़ा सा एक तरीके से कह दिए कि वरीयता नहीं देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है अधिकतर केसेज में। मतलब कि बच्चों के ग्रेस वगैरह लगते हैं फाइनल ईयर में, ज़्यादातर बच्चों के लगते हैं, तो ग्रेस से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हमने 30 नंबर किया था, 35 नंबर किया था, उसी केस में आप जो है रीचेक का फॉर्म डालेंगे, अर्थात अगर आप ऐसे फॉर्म को भर देते हैं कि मेरे तो चलिए कैसे भी मैं पास हो गया, 15-20 नंबर लाइक किया था, तो पता चले आपका जो 14 नंबर है तो 12 नंबर हो जाए, 10 नंबर हो जाए, इस केस में आपका ग्रेस भी नहीं मिलेगा, और जब ग्रेस नहीं मिलेगा तो आपकी स्पेशल बैक हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ख्याल रखेंगे, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपको मालूम है कि हमने बहुत ज़्यादा किया था, तो भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स पिछली बार थे जिनको लगता था कि हाँ मैंने 35 नंबर के आसपास किया था, तो उन्होंने भरा था तो 28 नंबर 30 नंबर आया था। लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तब भी, आपको लगता है तब भी, अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही भर दें कि चलो ग्रेस हटना है तो हट जाएगा, नहीं हटेगा तो जितना है तो उतना होगा ही। लेकिन इस केस में क्या होता है, कभी कभी आपके नंबर कम हो जाते हैं तो आपकी बैक भी लग सकती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, गहन अध्ययन कर लेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तभी फॉर्म भरेंगे, नहीं तो ये परेशानी में पड़ जाएंगे, जब आपकी स्पेशल बैक हो जाएगी ना तब आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इनका देखिए फर्स्ट डिवीजन भी फर्स्ट है इनका, काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट है, 2573 में इनका 1804 है ग्रैंड टोटल, काफ़ी अच्छा खासा रिजल्ट बना है, लेकिन ग्रेस लग गया है, तो ग्रेस से बहुत ज़्यादा आपकी मार्कशीट पे कह लीजिए कि आपके क्वालिफिकेशन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस है आपके अंदर तो आप रीचेक का फॉर्म डाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा डर लग रहा है आपको कि नहीं नहीं डालना चाहिए, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलहाल आपको सारी चीज़ें मैं आशा करता हूँ कि समझ में आई होंगी। इसके बावजूद अगर कोई चीज़ आपको जाननी है तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको सारी जानकारी दी थी लगभग लगभग, जो इन बच्चों बैक के बच्चे हैं, मतलब जिनकी बैक लगी है, कहिए 10 नंबर 8 नंबर 3 नंबर ऐसे आए हैं, कई बच्चों के 0 मार्क्स आए हैं, उसके बारे में बताया था, UFM के बारे में बताया था, नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में बताया था, फिर आपके कहिए कि कई सारे बच्चों के जिस इस बार मोबाइल नंबर लिखे थे उनके ऊपर उनका जो है 0-0 मार्क्स कर दिया गया था, या फिर AA यानी कि एबसेंट हो गए हैं उसके बारे में बताया था। तो ये सारी जानकारी आपको बोर्ड के द्वारा भी नोटिस आई थी, उसमें भी कुछ चीज़ें मेंशन थी, वो सारी जानकारी आपको मैंने दे दी है पहले से, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप जाकर के चैनल में प्लेलिस्ट से देख भी सकते हैं। तो और भी कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात आपके रीचेक की, कि रीचेक का फॉर्म कब से आएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे ही कोई डेट वगैरह आती है, उसकी अपडेट आती है, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम पे आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन जरूर रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।